उधर यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे दे, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी बैठक और यूपी उपचुनाव को लेकर होगा मंथन। 10 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का राहुल मिश्रा, इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। राहुल, दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या अपडेट्स इसको लेकर, क्या एजेंडा रहेगा, सीटों पर भी क्या फैसला मुमकिन है आज? देखिए, तकरीबन शाम 6 बजे करीब में ये बैठक होगी और ये बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था उस प्रदर्शन के बाद ये उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा, मौजूदा सरकार के लिए लिटमस टेस्ट होगा कि आखिर में वहाँ, क्योंकि जब भी एक उपचुनाव होता है तो सरकार के कामकाज के ऊपर कहीं ना कहीं वहाँ पर वोटिंग होती है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जाए कि आज का बैठक, और उसके साथ ही साथ संभवतः ये माना जा रहा है कि सीटों को लेकर के भी यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा कि आखिर में किसको, कौन कौन कहाँ से लड़ रहा है उपचुनाव में, कौन कहाँ से लड़ रहा है। और क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है इस मौजूदा समय में, समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, ये कहीं बीजेपी के लिए भी परेशानी का सबब जरूर रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर बीजेपी हर एक सीट पर यहाँ पर फूक फूक करके कदम रखना और उसके साथ ही साथ हर एक सीट को आकलन करके यहाँ पर उतारने का अपने तरफ से कैंडिडेट की कोशिश की जाएगी। तो एक लिटमस टेस्ट कहा सकता है कि ये है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, यूपी सदन पहुँचेंगे और उसके साथ ही साथ तमाम जो दूसरे नेता हैं, चाहे दोनों डिप्टी सीएम की बात किया जाए, प्रदेश अध्यक्ष की बात किया जाए, ये सभी के सभी बैठक में शरीक होने के लिए पहुँचेंगे, जहाँ पर जेपी नड्डा भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और शाम 6 बजे